ये सेकंड पार्ट है रीजनरेशन का। पिछली वीडियो में रीजनरेशन के बारे में हमने बात की थी कि रीजनरेशन क्या होती है, उसके चार मोड्स हमने देखे, स्टेम सेल मीडिएटेड, एपिमॉर्फोसिस, मॉर्फोलेक्सिस और कंपेंसेटरी रीजनरेशन। फिर हमने पिछली वीडियो में प्लेनेरिया में स्टेम सेल मीडिएटेड रीजनरेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें देखा था कि प्लेनेरिया में कैसे क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल्स रीजनरेशन में हेल्प करते हैं, और फिर एक्सपेरिमेंट्स हमने देखे किस तरह से उसको काटने पर उसके एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट रीजनरेट कर जाते हैं। पोस्टीरियर वाला पार्ट रीजनरेट करेगा हेड को, एक हेड को, और एंटीरियर पार्ट एक टेल रीजनरेट कर लेता है। फिर हमने देखा कि रेडिएशन का कैसे इफेक्ट होता है, क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल्स रेडिएशन से मारे जाते हैं, और ऐसे प्लेनेरिया में जिसमें सारे क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल मार दिए गए हों उसमें सिंगल न्यूब्लास्ट भी अगर इंजेक्ट कर दिया जाए तो फिर से वो सर्वाइव कर जाता है। और फिर हमने देखा कि कैसे स्पेशलाइजेशन होता है क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल्स का, उनमें कौन कौन से जीन्स पाए जाते हैं, जैसे कि स्मेड V1 सभी क्लोनोजेनिक न्यूब्लास्ट सेल्स में पाया जाता है, और इसकी दो स्ट्रेन्स होती हैं, एक होती है सिग्मा न्यूब्लास्ट सेल्स और दूसरे हैं जीटा न्यूब्लास्ट सेल्स। जीटा न्यूब्लास्ट सेल्स ये एपिडर्मिस के प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं। फिर पोलैरिटी हमने देखी, कैसे पोलैरिटी एस्टेब्लिश होती है विंट और बीटा कैटेनिन के थ्रू एक प्लेनेरिया में। इस वीडियो में पार्ट टू में हम बात करेंगे एपिमॉर्फोसिस की। एपिमॉर्फोसिस या एपिमॉर्फिक रीजनरेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल है सेलेमेंडर्स के लिम्ब्स। एक सेलेमेंडर जो कि एक एम्फीबियन है, इसके लिम्ब में एपिमॉर्फिक रीजनरेशन होती है। यदि इसके लिम्ब को काट दिया जाए तो क्या होगा, उसका जो स्टंप है, बचा हुआ जो पार्ट है इसके लिम्ब का, वो बाकी के लिम्ब को रीजनरेट कर देता है। और ऐसा करने के लिए क्या होगा, उसमें जो एडल्ट सेल्स हैं, डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं उसके लिम्ब के, वो डी डिफरेंशिएट करते हैं, अपना कैरेक्टर लूज कर देते हैं। उसके बाद वो स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं, एक एग्रीगेशन बना देते हैं स्टेम सेल्स का, जिसको हम रीजनरेशन ब्लास्टीमा बोलते हैं। फिर वो रीजनरेशन ब्लास्टीमा प्रोलीफरेट करता है, वो सेल्स माइटोटिकली डिवाइड करते हैं और स्टम्प ग्रो करता चला जाता है, और फिर अल्टीमेटली वो सेल्स रीडिफ्रेंशिएट करके और डिफरेंट टिश्यूज बना देते हैं और एक कंप्लीट लिम्ब की फॉर्मेशन हो जाती है। एपिमॉर्फिक रीजनरेशन के दौरान सेलेमेंडर के लिम्ब में दो चीजें बनती हैं। जब किसी एम्फीबियन के लिम्ब को एम्प्यूटेट किया जाता है तो एक तो एपिकल एपिडर्मल कैप बनती है, AEC एपिकल एपिडर्मल कैप, और एक बनता है उसमें RB यानी कि रीजनरेशन ब्लास्टीमा। एम्प्यूटेशन के 6 से 12 घंटे के बाद क्या होगा, जो इसका लिम्ब है उसका जो वुंड है, सपोज इसका लिम्ब काट दिया गया, उसके ऊपर जो वुंड होगा वहाँ पर सबसे पहले प्लाज्मा क्लोट बनता है। उसके बाद 6 से 12 घंटे के भीतर भीतर एपिडर्मिस की लेयर बन जाती है उस वुंड के ऊपर। मैमल्स के केस में तो क्या होगा, जब मैमल्स के किसी लिम्ब को काट दिया जाता है तो उस वुंड पे प्लाज्मा क्लोट बनता है, उसके बाद एपिडर्मिस तो कवर कर ही लेती है, उसके साथ साथ डर्मिस भी मूव करके और कवर कर लेती है वुंड के सरफेस को, और मैमल्स में रीजनरेशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, एम्फीबियन के केस में वुंड को प्लाज्मा क्लोट पहले कवर करेगा, उसके बाद एपिडर्मिस उसको कवर कर लेगी, लेकिन डर्मिस की फॉर्मेशन नहीं होगी, स्कार की फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं होगी। उसके बाद कुछ डिस्टेंस तक नर्व्स डीजनरेट कर जाते हैं। नर्व्स जब डीजनरेट करती हैं तो उसके साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है वहाँ पर प्रोटीजेज रिलीज होने लगते हैं और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स डिग्रेड होने लगता है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जितने भी सेल्स ट्रैप्ड होते हैं वो फ्री हो जाते हैं, लिबरेट हो जाते हैं और एम्प्यूटेशन के अगले 4 दिनों के दौरान, और वो जो सेल्स हैं वो फिर अपना डिफरेंशिएटेड करेक्टर लूज करने लगते हैं। बोन कार्टिलेज, बोन के सेल्स, कार्टिलेज के सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट्स,
मायोसाइट्स यानी कि मसल सेल्स ये सब अपना करेक्टर लूज कर देते हैं, और इस दौरान ऐसी जीन्स का डाउन रेगुलेशन हो जाता है जो डिफरेंशिएटेड करेक्टर प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मसल्स के केस में MRF4 और MYF5 जीन्स डाउन रेगुलेट हो जाती हैं, जबकि इन सेल्स में MSX जीन एक एग्जांपल है, इसका अप रेगुलेशन हो जाता है, ये जीन ज़्यादा एक्सप्रेस करने लगती है। और ये जो जीन है ये प्रोग्रेस जोन से एसोसिएटेड है। नॉर्मल टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान एक लिम्ब बड में प्रोग्रेस जोन जहाँ पर बनती है उस के मेसेनकाइम में MSX1 जीन एक्सप्रेस होती है। अब ये जो मास एग्रीगेट बन गया, एक बहुत सारे सेल्स का एग्रीगेट मास बन जाता है, इसको कहते हैं रीजनरेशन ब्लास्टिमा। ये वुंड के नीचे के सरफेस में बनता है डिस्टल एंड पे, और इसमें अलग अलग तरह के सेल्स डी डिफरेंशिएट होके इकट्ठे रहते हैं। अब ये जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं ये स्टेम सेल की तरह बिहेव करते हैं, ये प्रोलिफरेट करते हैं और ये लॉस्ट पार्ट को फिर से बना देते हैं। इसी दौरान जबकि वुंड के सरफेस के नीचे रीजनरेशन ब्लास्टिमा की फॉर्मेशन हो रही है, उन्हीं चार पाँच दिनों में जो एपिडर्मिस है उसकी भी, वुंड एपिडर्मिस, उसकी भी मोटाई बढ़ने लगती है और वो एक थिक एपिडर्मिस बना देती है जिसको एपिकल एपिडर्मल कैप कहते हैं, AEC एपिकल एपिडर्मल कैप। ये ठीक वैसे ही बिहेव करती है जैसे कि नॉर्मल टेट्रापोड लिम्ब डेवलपमेंट के दौरान एपिकल एक्टोडर्मल रिज काम करता है। क्रोल और उसके साथियों ने 2009 में पाया कि जो ब्लास्टिमा है वो एक ही तरह के, सभी एक जैसे तरह के स्टेम सेल्स नहीं होते, ऐसा नहीं कि वो सभी एक जैसे हों, वो एक्चुअल में मल्टीपोटेंट होने की बजाय यूनिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं। ये जो कलेक्शन है ब्लास्टिमा में, रीजनरेशन ब्लास्टिमा में स्टेम सेल्स का, ये एक हेटरोजेनस एग्रीगेशन है, अलग अलग तरह के प्रोजेनिटर सेल्स हैं, रिस्ट्रिक्टेड प्रोजेनिटर सेल्स हैं, यानी कि उनका वो स्पेसिफाइड हैं। और ऐसा पता चला कि जो मसल सेल्स बनेंगे, नए मसल सेल्स, वो पुराने मसल सेल्स से डिफरेंशिएट होने वाले सेल्स से ही बनते हैं, जबकि डर्मल सेल्स भी उन्हीं सेल्स से बनेंगे जो पहले कभी डर्मल सेल हुआ करते थे और डी डिफरेंशिएट हो गए थे। और कार्टिलेज की फॉर्मेशन होती है पुराने कार्टिलेज सेल से या पुराने डर्मल सेल से। चलिए इसके बाद बात करते हैं ब्लास्टिमा की प्रोलिफरेशन की। ब्लास्टिमा को, रीजनरेशन ब्लास्टिमा को प्रोलिफरेट होने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता है, एक तो एपिकल एपिडर्मल कैप से रिलीज होने वाले FGF की, और दूसरा वहाँ पर नर्व्स का होना ज़रूरी है, आवश्यक है। केवल नर्व्स की प्रेजेंस में ही प्रोलिफरेशन होता है रीजनरेशन ब्लास्टिमा का। एक रीजनरेशन ब्लास्टिमा में सेंसरी नर्व्स उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं, जबकि मोटर नर्व्स वहाँ पर आके टर्मिनेट होती हैं ब्लास्टिमा के मेसेनकाइम में। सिंगर और उसके साथियों ने एक्सपेरिमेंट किए एम्फीबियंस के लिम्ब के साथ। उन्होंने क्या किया, एक एम्फीबियन के, एक सेलेमेंडर के लिम्ब को एम्पुटेट करने से पहले उस लिम्ब में जाने वाली नर्व को ही काट दिया और उसके बाद एम्पुटेशन किया। एक डीनर्व्ड लिम्ब में रीजनरेशन नहीं पाई गई, यानी कि वहाँ पर नर्व का होना ज़रूरी है। यदि एक्सपेरिमेंटली किसी एम्फीबियन के लिम्ब में एक वुंड बना दिया जाए उसके प्रोक्सिमल रीजन में, ये इसका डिस्टल एंड है, ये प्रोक्सिमल एंड है, बॉडी के पास वाला प्रोक्सिमल एंड, यहाँ पर एक वुंड बना दिया जाए और इसकी जो नर्व है उसको डाइवर्ट कर दिया जाए, यहाँ से काट के जो कि जा रही थी इसके लिम्ब में, यहाँ से काट के इसको डाइवर्ट कर दिया इस वुंड के पास, तो ऐसा करने पर क्या होगा, एक स्टम्प अराइज हो जाती है, ब्लास्टिमा जैसी एक बड अराइज हो जाती है, पर फुली फॉर्म्ड लिम्ब दूसरा नहीं बनता। एक फुली फॉर्म्ड एक्टोपिक लिम्ब रीजनरेट करने के लिए क्या करना होगा, ना केवल इस नर्व को डाइवर्ट करना होगा बल्कि एक इस
वो लिम्ब जहाँ पर वुंड क्रिएट किया गया है, नर्व को डाइवर्ट किया, और उसके जो अपोजिट वाला लिम्ब है वहाँ से उसके प्रोक्सिमल और पोस्टीरियर रीजन से एपिडर्मिस को उठा के यहाँ पर ग्राफ्ट करना होगा। ऐसा करने पे एक एक्टोपिक लिम्ब फॉर्म हो जाता है। इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट्स ये इंडिकेट करते हैं कि लिम्ब को रीजनरेट करने के लिए ना केवल एपिडर्मल कैप की आवश्यकता है बल्कि उसकी पोजीशन भी, उसकी लोकेशन भी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। चलिए अब क्योंकि नर्व की आवश्यकता है तो हम बात करेंगे एक ऐसे सिग्नल की जो नर्व से मिलता है। दो न्यूरॉन्स के बीच में एक सिनेप्स की फॉर्मेशन के लिए आवश्यकता होती है न्यूरोनल एक्टिविटी की, यानी कि उसमें एक्शन पोटेंशियल अराइज होते हो, ऐसा न्यूरॉन ही सर्वाइव करता है। तो इसी बेसिस पे पहले शुरुआत में ये सोचते थे कि एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व की एक्टिविटी की आवश्यकता होती है रीजनरेशन के लिए, रीजनरेशन को स्टिमुलेट करने के लिए। लेकिन एक्सपेरिमेंट्स से पता चला कि कंडक्शन और एसिटिल कोलिन का रिलीज़ ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ और फैक्टर हैं जो कि ब्लास्टिमा की प्रोलिफरेशन के लिए ज़रूरी होता है, और वो उनमें से ऐसे बहुत सारे केमिकल्स हो सकते हैं जिनमें से एक फैक्टर है न्यूट एंटीरियर ग्रेडिएंट प्रोटीन NAG। यदि एक डीनर्व्ड एम्पुटेटेड लिम्ब को उसके जो ब्लास्टिमा है उसके सेल्स को इलेक्ट्रोपोरेट किया जाए विद NAG जीन्स। इलेक्ट्रोपोरेशन क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड का यूज़ किया जाता है जिससे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ जाती है और जीन्स इजीली एंटर कर जाती हैं उस सेल के अंदर। तो एक डीनर्व्ड एम्पुटेटेड लिम्ब है उसके अंदर जो रीजनरेशन ब्लास्टिमा है उसमें NAG के जीन घुसाए गए, और उसके बाद क्या हुआ, वो जो लिम्ब था दैट वाज एबल टू रीजनरेट इवन आफ्टर डीनर्वेशन। NAG न्यूट एंटीरियर ग्रेडिएंट प्रोटीन, इसके स्टिमुलेटरी रोल को एक स्टडी सपोर्ट करती है। वो स्टडी क्या है, उसमें क्या किया गया, न्यूरोजेनिक सेलेमेंडर की फॉर्मेशन की गई। दो एम्ब्रियोनिक सेलेमेंडर्स को अर्ली डेवलपमेंट के दौरान ही आपस में जोड़ दिया गया थ्रू पैराबायोसिस, और उसके बाद एक सेलेमेंडर के पास तो इंटैक्ट उसका नर्वस सिस्टम है, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान दूसरे की न्यूरल ट्यूब को शुरुआत में ही निकाल दिया जाता है जिसकी वजह से इसमें नर्व्स नहीं है। लेकिन क्योंकि ये जुड़े हुए आपस में पैराबायोसिस है तो इसके नर्वस सिस्टम के कारण ही इसकी भी नॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, दोनों ही सर्वाइव करते हैं। अब इस अन्यूरोजेनिक सेलेमेंडर के लिम्ब को जब एम्पुटेट किया गया तो एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड तो यही है कि इसका लिम्ब रीजनरेट नहीं करेगा, लेकिन रिजल्ट में कुछ और ही पाया गया। रिजल्ट में क्या हुआ, नॉर्मल रीजनरेशन हो जाती है। उसके बाद देखा गया कि ऐसा क्या है इसके पास, तो एक नॉर्मल केस में जो सेलेमेंडर है उसमें NAG का एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्रेशन उसके रीजनरेशन ब्लास्टिमा के आसपास तब होता है जब रीजनरेशन होती है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मली ही पहले से ही बहुत सारा NAG एक्सप्रेस होता है इसके एंटायर लिम्ब में। न्यूट एंटीरियर ग्रेडिएंट प्रोटीन का रिसेप्टर है PROD1, और ये एक कंसंट्रेशन ग्रेडिएंट बनाता है लिम्ब के प्रोक्सिमल से डिस्टल रीजन की तरफ सेलेमेंडर के लिम्ब में। अब इसके जो एक्सिस होते हैं किसी भी लिम्ब पे, लिम्ब के कौन कौन से एक्सिस होते हैं, एक होता है उसका प्रोक्सिमल टू डिस्टल एक्सिस, यानी कि बॉडी के पास से प्रोक्सिमल से डिस्टल ये वाला एक्सिस। दूसरा एक्सिस होता है एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस, और तीसरा एक्सिस होता है डोर्सल टू वेंट्रल एक्सिस किसी भी एनिमल के लिम्ब का। तो रीजनरेशन के दौरान ये एक्सिस जो है वो वैसे ही डिफाइन होते हैं जैसा कि नॉर्मल एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान
लिम्ब बड फॉर्मेशन में या लिम्ब टेट्रापोड लिम्ब फॉर्मेशन के दौरान एक्सप्रेशन होता है अलग अलग तरह के प्रोटीन्स का और फैक्टर्स का। इनमें से कुछ है विल्ट, बीएमपी, हेजहॉग, नोच और अदर फैक्टर्स। इसके अलावा रेटिनोइक एसिड और एफजीएफ का भी ग्रेडियंट बनता है। रेटिनोइक एसिड प्रोक्सिमल रीजन में एक्सप्रेस होता है और एफजीएफ डिस्टल रीजन में होता है। ऐसे ही यहाँ पर भी रीजनरेशन के दौरान जो एपिकल एपिडर्मल कैप है उससे एफजीएफ 8 सीक्रेट होता है। अब कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यदि एक रीजनरेटिंग लिम्ब को रेटिनोइक एसिड से एक्सपोज कर दिया जाए, यहाँ पर रेटिनोइक एसिड से एक्सपोज किया जाए इसको, तो रीसेट हो जाती है रीजनरेशन और अब यहाँ से एक नया लिम्ब यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल रीजनरेशन यहाँ पर एक कंप्लीट लिम्ब बन जाएगा। इन एडिशन टू दिस स्टम्प, स्टम्प के बियॉन्ड एक और लिम्ब फॉर्मेशन हो जाती है। यदि इस लिम्ब बड को बीएमपी, अकेले बीएमपी या फिर बीएमपी और एफजीएफ से एक्सपोज किया जाए तो क्या होगा, एक एडिशनल लिम्ब बन जाता है। सो विद दिस रीजनरेशन एपिमॉर्फोसिस ओवर्स।